दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारे रिस्पेक्ट करें, हम सभी चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने, लेकिन ऐसा करा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। एक बार के लिए तो आपको ये लग सकता है कि पैसे आ जाने से या बॉडी बना लेने से लोग आपके रिस्पेक्ट करने लगेंगे, और ये बात एक हद तक सच भी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अमीर होने पर ही आपको रिस्पेक्ट मिले। दुनिया के बहुत से फिलोसोफर्स गरीब थे, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट सारी दुनिया करती थी। तो वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से एक बंदा रिस्पेक्टफुल बनता है? इस वीडियो में हम ऐसी 5 बातें जानेंगे जिनके हेल्प से आप लोगों से रिस्पेक्ट पा सकते हो। ये टिप्स रॉबर्ट ग्लोवर की बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय से ली गई हैं। तो आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, लर्न टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। नाइस गाइज वो लोग होते हैं जो किसी भी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। अगर आप इन्हें कुछ बुरा भला भी बोल दोगे तो भी आपको ये पलट कर जवाब नहीं देंगे। ये हमेशा दूसरों का कहा मानते हैं और इन्हें ना बोलने में बहुत झिझक होती है। इस तरह के लोग किसी भी तरह के कन्फ्रंटेशन से डरते हैं और इस वजह से अक्सर अपने थॉट्स और ओपिनियंस को अपने पास ही रखते हैं। वो किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहते। अगर आपको लगता है कि ये सारी क्वालिटीज़ आप में हैं तो आप एक नाइस गाय हो, इसी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। प्रॉब्लम यह है कि नाइस गाइस कभी भी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश नहीं करते। जब कोई उनका मजाक उड़ा रहा होता है और उन्हें इस बात का बुरा लगता है तो वह आवाज़ नहीं उठाते। इस वजह से लोग इनकी बाउंड्रीज हमेशा क्रॉस करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें किस टाइप के जोक्स आपके साथ नहीं करने हैं या आपसे किस तरह से बिहेव नहीं करना है, इसलिए उनका जैसे मन करता है आपसे वैसा बिहेव करते हैं। इसलिए आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ जिसे आप टॉलरेट नहीं करोगे। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बंदा आपकी इन बाउंड्रीज को क्रॉस करे तो बिना अपना टेंपर लूज किए उसे ये बताओ कि आपको इस तरह का बिहेवियर पसंद नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और स्कूल में कोई आपको बुली करता है तो स्टैंड अप अगेंस्ट हिम। लोग आपको तंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपके सर पर हाथ मार के निकल जाएंगे और आप उन्हें कुछ नहीं कहोगे। अगर आप एक बार अपने लिए खड़े हो जाओगे तो लोगों को यह पता लग जाएगा कि वो बिना किसी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के आपको परेशान नहीं कर सकते। याद रहे, इस फाइट में आपका जीतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अपने लिए खड़ा होना ज़रूरी है। बुलीज हमेशा इजी टारगेट खोजते हैं, इसलिए आप खुद को एक इजी टारगेट मत बनने दो। अपने लिए खड़ा होना शुरू करो। जब कोई आपकी लाइन क्रॉस करे तो उससे अकेले में जाकर शांत दिमाग से कहो कि आप नेक्स्ट टाइम इस तरह के बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करोगे। नंबर 2, डोंट बी पैसिव अग्रेसिव। नाइस गाय के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो अक्सर पैसिव अग्रेसिव हो जाते हैं। आपको लगता है कि अगर आप अपना गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर दबा कर रखोगे तो वह गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिगमंड फ्रॉयड नाम के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट ने यह बताया था कि हम जिस भी इमोशन को खुद के अंदर दबा कर रखते हैं वो बाद में किसी दूसरे फॉर्म में बाहर निकलता है। जब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है और आप उसे कुछ नहीं बोलते और अपने इमोशंस को दबा कर रखने की कोशिश करते हो तो आपका गुस्सा पैसिव अग्रेशन के फॉर्म में बाहर निकलता है। पैसिव अग्रेशन का मतलब है आप सामने से तो उन्हें कुछ नहीं कहोगे, लेकिन उन्हें हर्ट करने के लिए मौके हमेशा ढूंढते रहोगे। आप भी जानबूझकर ऐसे जोक्स मारोगे जिससे उन्हें तकलीफ हो। आप उनके ज़रूरी सामान छुपा दोगे या उनके सक्सेस को सैबोटेज करने की कोशिश करोगे। साथ ही जब आप बहुत सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दबा कर रखोगे तो आपके अंदर कड़वाहट भर जाएगी। आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगोगे, आप अपना आपा खोने लगोगे, उस इंसान के छोटे छोटे जोक्स भी आपको चुभने लगेंगे और आप पीठ पीछे हर वक्त उसकी बुराई करने लगोगे। इस तरह का बर्ताव करने से ना सिर्फ आप अपनी रिस्पेक्ट खोते हो बल्कि इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स भी खो देते हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी बात से चिढ़ हो, आप सामने वाले बंदे को अकेले में देख कर उससे शांत दिमाग से बोल दो, मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। आई विल रियली अप्रिशिएट इफ़ यू वॉन्ट डू इट अगेन इन फ्यूचर। नंबर 3, बी अ मैन ऑफ एक्शन। नाइस गाइज यूजुअली बहुत इनसिक्योर होते हैं, ये जेलस होते हैं। इसी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए ये एक यस मैन बन जाते हैं और सबसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। ये लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी इनसिक्योरिटीज़ और इनकॉम्पिटेंस किसी से छिपते नहीं हैं। लोग टाइम के साथ जान जाते हैं कि ये बंदा सिर्फ अपनी वीकनेस छुपाने के लिए सारे काम कर रहा है और वो उससे दूर भागने लगते हैं। इसलिए आप एक मैन ऑफ एक्शन बनिए। जब आप अपने काम में और अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ें अचीव कर रहे होते हो तो इससे ये प्रूव होता है कि आप एक मैन ऑफ एक्शन हो। आप जो कहते हो वो करते हो। इसके साथ ही अगर आप बस उतना बोलने की कला सीख लोगे जितना आपको बोलना चाहिए तो लोग आपकी रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा करेंगे। कम बोलने वाले लोग मिस्टीरियस लगते हैं, जिस वजह से दूसरे लोग कभी ये नहीं समझ पाते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। नंबर 4, गेट रिड ऑफ योर एडिक्शंस। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरह से अपने इमोशंस अपने अंदर दबा के रखने से आप पैसिव अग्रेसिव और बिटर हो जाते हो। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर दबा कर रखने का एक दूसरा साइड इफेक्ट भी है, एडिक्शन। हर नाइस गाय किसी न किसी चीज़ का एडिक्ट होता है। जब आपके अंदर कड़वाहट भरी रहेगी तो आप उसे कम करने के लिए किसी ऐसी चीज़ का सहारा लेना शुरू करोगे जिससे आपको राहत मिल सके। अब चाहे वो चीज़ अल्कोहल हो, सिगरेट हो, आपकी एडिक्शन का और लोगों का आपकी रिस्पेक्ट ना करने में एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है।
आपका नाइस गाय सिंड्रोम जितना बड़ा होगा आप उतना ज्यादा लोगों को कन्फ्रंट करने से दूर भागोगे, जिससे आपके अंदर की कड़वाहट और बढ़ेगी और उसके साथ ही किसी एक्सटर्नल चीज का यूज करके उस कड़वाहट को कम करने की तलब भी बढ़ेगी। इस एडिक्शन की वजह से आपकी लाइफ के सारे दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी असर पड़ेगा, आपका नाइस गाय सिंड्रोम बढ़ता ही चला जाएगा। आप इन नशों में खुद को डुबाकर अपनी इनसिक्योरिटीज और कन्फ्रंटेशन से दूर भागने की कोशिश करते रहोगे। इसलिए आप लोगों को ना कहना सीखो, आप अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाओ, बोलना कम करो, काम ज़्यादा करो, हर वक्त लोगों की हाँ में हाँ मत भरो। अगर आपके पास अपना कोई ओपिनियन है जिससे लोग ऑफेंड हो सकते हैं तो उसे खुलकर शेयर करो। आयरनी इसी बात में है कि आप लोगों को इम्प्रेस करने की जितनी ज़्यादा कोशिश करते हो आपकी रिस्पेक्ट उतनी ही कम होती जाती है। नंबर 5, पुट योरसेल्फ फर्स्ट। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में वरुण धवन बोलता है कि अगर कल मेरे घर में एक रोटी होगी तो मैं अपनी आधी रोटी काव्या को दूंगा, आधी पापा को और खुद भूखा सो जाऊंगा। ऐसा करने में कोई स्मार्टनेस नहीं है। अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आप काम कर पाओगे और काव्या और पापा के खाने के लिए बहुत कुछ लेकर आ पाओगे। खुद का पेट काट कर आप दूसरों को कितने दिन तक खिलाओगे? एक दिन के बाद आपके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाएगी और आप काव्या और पापा के लिए खुद बोझ बनकर रह जाओगे। ऐसे में ना तो आपको काव्या प्यार करेगी ना ही पापा। आपकी नीड्स को पहले रखने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो। अपनी नीड्स और गोल्स को पहले रखकर ही आप सक्सेसफुल बनोगे। एक बार आप सक्सेसफुल हो गए तो आप अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए और दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। गरीब और नाकाम आदमी अपना ही ख्याल नहीं रख पाएगा तो वो दूसरों का ख्याल कैसे रखेगा? एयरप्लेन में भी जब ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होते हैं तो एक अनाउंसमेंट होती है कि आप सबसे पहले अपने मुँह पर मास्क लगाओ। भले ही आपके बगल में एक बच्चा है या बुजुर्ग है जो खुद से मास्क लगा नहीं पा रहा हो, आप सबसे पहले खुद मास्क लगाओ और फिर उनके हेल्प करो। ऐसा है इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने के थोड़ी देर बाद आप अपना होश खोने लगोगे। ऐसे में आप तो चक्कर खाकर गिरोगे ही, आपके साथ आपका बच्चा और वह बुजुर्ग भी जाएंगे। खुद की केयर करके ही आप उस पोजिशन पर पहुँचते हो जहाँ पर आप दूसरों की केयर कर सकते हो। इसलिए अपने गोल्स, बॉडी की नीड्स और एस्पिरेशंस की रिस्पेक्ट करना सीखो, लोगों को ना कहना सीखो, ताकि आप अपने लिए ज़्यादा टाइम निकाल सको और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सको। लास्टली, नाइस गाय ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों पर हर वक्त लोगों से झगड़ा करते रहो और लोगों से ज़बरदस्ती अपने रिस्पेक्ट करवाओ। इसका मतलब यह है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके लोगों को अपनी बाउंड्रीज के बारे में बताओ। ना कहना सीखो, ज़रूरी मैटर्स में अपने ओपिनियन दो, भले ही उससे कुछ लोग ऑफेंड हो जाएं। जहां ज़रूरी हो वहां पर चुप रहो, अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होने की कोशिश करो और लास्टली खुद की नीड्स को दूसरों की नीड्स से पहले रखो। इन स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके आप ज़्यादा सक्सेसफुल भी होगे और लोगों में अपनी रिस्पेक्ट भी इंक्रीज कर लोगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक वीडियो देखना है तो राइट वीडियो पर क्लिक करो, और अगर पैसिव अग्रेशन समझना चाहते हो तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।